अपने अपने संस्कार हैं, बदतमीजी रामवीर नहीं सिखाता है। अब सुनिए गाने बजाने की बात क्या होती है। सुना हो जाएगा। जब ये बातें सुनी, आज समाज के अंदर वास्तव में ये बुराई है कि हम बेटे का स्वागत करते हैं और बेटी गर्भ में होती है तो हम शोक मनाने लग जाते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया था वो भी कभी किसी की बेटी बनकर के ही आई थी। अगर हमारी माँ को भी मिटा दिया जाता तो मैं ऐलान से कहता हूं, न कोई मुकेश होता, न कोई रामवीर होता, ये सृष्टि नहीं होती। आप सुनना, क्या इंसान कौन सा दुनिया में जिससे पाप हो नहीं सकता है। और मैं कहूंगा नहीं, अगर हकीकत हो तो तालियां। जिससे पाप हो नहीं सकता है, अरे जो गर्भ में मर बाबे पिटिया को वो पाप हो नहीं सकता। जो गर्भ में मर बाबे पिटिया को हो नहीं सकता है। क्या मासूम मासूम बिटिया रो रही बादल के मौके छा गए। मासूम बिटिया रो रही बादल के मौके छा गए, बादल के मौके छा गए, अरे बादल के मौके छा गए। और बेटी का रोना जब सुना तो उस मैया के आंसू, अरे बेटी का रोना जब सुना मैया के आंसू आ गए। अपनी भूल का एहसास हुआ उस माँ को और कहने लगी, देख बेटियां अनूप हैं, देवी का रूप हैं, जीवन के सारे प्रण पारती हैं बेटियां, जीवन के सारे प्रण पारती हैं बेटियां, जीवन के सारे प्रण पारती हैं बेटियां, जीवन के सारे प्रण पारती हैं बेटियां। और अरे संकट आवे तो, अरे संकट आवे तो, दुष्ट वो सतावे तो,
करना चाहूंगा। अरे मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां, और देख बाबुल का घर हो या साजन का दर हो, दोनों कुलों को ही तारती है बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती है बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती है बेटियां। अब कह रही है माँ, जब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया तो वो माँ कह रही है बेटी दिल से ये दिल का रिश्ता, दिल से ये दिल का रिश्ता कभी ना होगा न्यारा, अब कभी ना होगा न्यारा। ओ दिल से ये दिल का रिश्ता कभी ना होगा न्यारा, ये कभी ना होगा न्यारा। और जब जब हकीकत समझ में आ जाए तो उस माँ के द्वारा मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी ये समझ लें, हम लोग भी समझ लें क्या, दिल से ये दिल का रिश्ता कभी ना होगा न्यारा, अब कभी ना होगा न्यारा। और सारांश ये निकलता है, और अगर सही हो तो दोनों हाथ उठा करके तालियां, कभी ना होगा न्यारा, अब कभी ना होगा न्यारा। अरे जितनी प्यारी बिटिया है हमको, जितनी प्यारी बिटिया हमको, जितनी प्यारी बिटिया हमको वो बेटा उतना प्यारा। दिल से दिल का रिश्ता है जो कभी ना होगा न्यारा, ये विशेष पुरस्कार हैं जो सभी महान बाबाओं की ओर से आ रहे हैं। अगर मैं भी उन बातों के जवाब देने लग जाऊं तो ये YouTube चल रहा है, पूरा विश्व इसे देखेगा। वैसे ही रसियाबाजी बहुत ज्यादा मशहूर है, इसलिए कहना क्या है, आज बेटी को हम गर्भ के अंदर मार तो देते हैं, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूं मैं, हाथ जोड़ करके ध्यान देना। बेटा देखता है माँ बाप की संपत्ति, और बेटी देखती है माँ बाप की आंखों के आंसू। कभी थके हारे कोई काम करके घर पे वापस लौट करके देखना, हो सकता है बेटा दरवाजे की साइड लेकर के निकल जाता है, हाथ में पानी का गिलास लेकर बेटी उपस्थित होती है कि पापा पहले पानी पियो उसके बाद में कोई काम करना। हमारे संजय जी, आज आप पर भी ये मेहरबानी बेटी की है। कशिश हमारी बहन है, छोटी बेटी है, उसने जब से ये हाथ में लिया स्टूडियो, आज पूरी इंडिया में KS म्यूजिक सेंटर का नाम है। तो मैं चाहूंगा उस बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। स्वर की कहानी में साची पहलवानी में ओलंपिक में रंग उड़ा चेहरा के आई है, अरे कस गई है लास्ट को बनीचे मोनास्ट को, भारत की आन बान गहरा के आई है। दिखलाती आईना सिंधु और साइना, जीत की पताका को ठहरा के आई है। अब एक ऐसी लाइन बोलने के लिए जा रहा हूँ, आपका कलेजा वाकई में बेटियों के लिए तालियां बजाएगा। अरे जीत की पताका को ठहरा के आई है, अरे बात स्वाभिमान की बेटी हिंदुस्तान की, देख लो तिरंगा झंडा लहरा के आई है, देख लो तिरंगा। चाचा तुम क्यों परेशान है रहे हो, देख अरे दिल से ये दिल का रिश्ता कभी ना होगा न्यारा, अब कभी ना होगा न्यारा। और आटे वाले हो सुन लो, कोई व्यक्तिगत बात नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, और एक एक व्यक्ति के हाथ उठेंगे ऊपर। अरे जितनी प्यारी बिटिया हमको, जितनी प्यारी बिटिया हमको तो बेटा उतना प्यारा। दिल से दिल का रिश्ता है जो कभी ना होगा न्यारा, जो कभी ना होगा न्यारा। और यहाँ पर बड़े बड़े महान लेखक खड़े हुए हैं, मैं चरणों में दो शब्द दे रहा हूं, पश्चाताप कर रही है वो मार, कह रही है रिश्तों के इस गुलशन में
महके जावित्री है, रिश्तों के इस गुलशन में महके जावित्री है। और गुरुदेव ये पंक्तियां उस्ताद खलीफाओं को समर्पित है। ताराचंद जी, महके जावित्री है, और मैं बाद में बोलूंगा, जनता पहले बोलेगी। रिश्तों के इस गुलशन में महके जावित्री है, यदि बेटा श्रवण कुमार है तो बिटिया सावित्री, यदि बेटा श्रवण कुमार है तो बिटिया सावित्री है। अरे ना जाने क्यों फिर ये मानव, ना जाने क्यों फिर ये मानव बन जाता हत्यारा, ओ ना जाने ये फिर क्यों मानव बन जाता हत्यारा। और अब कह रही है वो, माँ कह रही है, बेटी मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर, मैं भी इस दुनिया के राज रंग में बह गई थी, लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रही हूं, अगर हो सके लौट के आजा बिटिया भोली, अगर हो सके लौट के तू आजा बिटिया भोली, ओ अगर हो सके लौट के तू आजा बिटिया भोली। और पूरी रात आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सुबह तक गा पाया हूँ। ये लाइन अगर दिल को छू जाए तो पूरे पांडाल की तालियां चाहूंगा। माँ कह रही है, अगर हो सके लौट के आजा बिटिया भोली, और मेरे इस आंगन से ही जाएगी तेरी डोली, मेरे इस आंगन से ही जाएगी तेरी डोली। ये हमारे गुरुदेव दे रहे हैं ये कविता लिखने वालों के लिए। अब ये पुरस्कार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामवीर का है, ये जो भी मेहरबानी है आज गुरु चंदोलाला की है। अगर चंदोलाला का आशीर्वाद इस रामवीर पे नहीं होता तो रामवीर तो मंच पे आ करने की औकात नहीं रखता था। आज जो भी है आशीर्वाद वो आप लोगों का और गुरु लोगों का है, तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ, ये आशीर्वाद आप स्वीकार करें। कहा, अरे अगर हो सके लौट के तू आजा बिटिया भोली, और मुझे हंसी इसलिए आई कि सीमा पे बवाल करके गया है। असली बात कहनी थी तो क्या कहनी थी गुरु ताराचंद जी? असली बात उस बेटे के लिए क्या लिखनी चाहिए और क्या कहनी चाहिए? देख, यह भी एक पर्व है, मैया को गर्व है, सीमा से मुख नहीं मोड़ा मेरे लाल ने, सीमा से मुख नहीं मोड़ा मेरे लाल ने, सीमा से मुख नहीं मोड़ा मेरे लाल ने। अरे फर्ज को निभा गया, कर्ज भी चुका गया, मैया का गरूर नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, मैया का गरूर नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, मैया का गरूर नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। हमें भी भुला गया, देश को रुला गया, रिश्ता भारत माता से जोड़ा मेरे लाल ने, रिश्ता भारत माता से जोड़ा मेरे लाल ने, रिश्ता भारत माता से जोड़ा मेरे लाल ने, रिश्ता भारत माता से जोड़ा मेरे लाल ने। और पिछले नंबर की तालियों से दूनी ताली बजेंगी, मेरा विश्वास है। रिश्ता भारत माता से जोड़ा मेरे लाल ने, और ऐसा वक्त आ गया, सीने पे गोली खा गया, पर हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। एक मिनट में धूतरी तोड़ूंगो, एक थप्पड़ मार दो तो 48 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा। इन्हें होश ही नहीं है हम क्या गा रहे हैं। कारो कौआ, अब कारे कौआ है पूजते हैं तो अम्मू पूजते हैं, पापा बन के आवत हुआ कोई, बाकी ना सम्मान कर। हैं भैया, गलत कह रहा हूँ भैया, पूर्वज बन के ही आता है। अब कारो कौआ, अरे कौआ मत सस्तो समझे, कोई कौआ मत सस्तो समझे, तू कौआ मत सस्तो समझे, ना काग भुसंड सो तू जो है, ना काग भुसंड सा तू जो है। और भैया कोई बुरा न माने तो कह दूं, मैं हाथ खड़े करके कहो,
कहते हैं सा रसिया बाजिया मुकेश कहता मैं अब तेरे घर के ने ना मुकेश रखो है तो मुकेश ही तो किंगे और का किंगे भैया हैं वो तो मुकेश कहते हैं ये किशन गुरु की कविता है कविता वो होती है जो संदेश दे करके जाए वो कह रही कि इतने तक भटक रहे और तो जैसे तो मेरे नीचे लटक रहे जल ले जा सेला खा ले खेला भैया मोए तो करो माफ चौक त्याए तो दिना बुरे आ ही रहे मोचो बदनाम करवाए बेटू ले क्या तो नाम लिखी गए उनमें सुनीता ना रही रहने तुम ना कहना कहना अरे बिटिया का सम्मान करो अरे आजा बेटी लौट के सुन ले बिटिया भोली अरे अगर हो सके तो लौट के आजा बिटिया भोली और फिर तालियां चाहूंगा अरे आजा बिटिया भोली और अब मेरे ही इस आंगन से जाएगी तेरी डोली मेरे ही इस आंगन से जाएगी तेरी डोली हाँ साहब जवाब सही हुआ है या गलत हुआ है धन्यवाद अरे बिन बेटी के इस जीवन से अरे कोई बिन बेटी के इस जीवन से बिन बेटी के इस जीवन से नहीं मिटे अंधियारा बिन बेटी के इस जीवन से नहीं मिटे अंधियारा और जितनी प्यारी बिटिया है हमको बेटा उतना प्यारा दिल से दिल का रिश्ता कभी ना होगा न्यारा ये कभी ना होगा